मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के तीन बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं। बालासाहेब ठाकरे के सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे की 1996 में एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। बालासाहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे, इस वजह से वे राजनीति में हिस्सा नहीं ले पाए। The Bombay High Court has become the new battleground as Thackeray's estranged elder son Jayadev Thackeray alleges foul play after being excluded from Bal Thackeray's will. राज ठाकरे इनके चचेरे भाई थे, यानी कि बालासाहेब ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे के बेटे। एक समय में उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे काफी बड़ी टक्कर दे चुके हैं। उसने अपुन को मारा, लेकिन अपुन ने उसको सिर्फ दो मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं। मेरी ओर से मैंने कभी उसको जाओ करके कहा नहीं था, वही खुद अपने आप चला गया है। फोन उठाए बात कर ले, अगर होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। राजनीति में कदम रखने से पहले उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और एरियल फोटोग्राफी में काफी शौक था, यहाँ तक कि उनकी खींची हुई फोटो की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी में इतना शौक था कि उन्होंने अपनी दो फोटो बुक भी लॉन्च करी थी, जिनका नाम था महाराष्ट्र देश और पहावा विट्ठल। इनकी माँ यानी कि बालासाहेब की पत्नी मीनाबाई ठाकरे की इच्छा से उद्धव ठाकरे ने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के आने से पहले राज ठाकरे का काफी दबदबा था, यहाँ तक कि लोगों का मानना था कि बालासाहेब की छवि राज ठाकरे के अंदर नजर आती है, खास करके उनका आक्रामक स्वभाव जो कि उद्धव ठाकरे में नहीं देखने को मिलता था। इतने गुस्से वाले क्यों हैं? हर बात मैं में चाहता हूँ कि गुस्सा मत दिलाओ मुझे। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं वैसे गुस्से वाला हूँ नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। उद्धव ठाकरे के राजनीति में आने से पहले शिवसेना को राज ठाकरे ने ही अपने कंधे में उठाए रखा था। शिवसेना चीफ बने, मैं नाम नहीं दूंगा। कल दोनों सीएम बने, मैं नाम नहीं दूंगा। क्लेम मैंने आज तक कभी किया नहीं, मैं कभी आज तक कुछ बोला नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। लोग मेरी तरफ देख के कुछ अलग अलग बातें करते हैं कि ये शिवसेना चीफ बनना चाहता है, ये वो बनना चाहता है, और कल उसके अगर कुछ उद्धव ये बन जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि उद्धव ठाकरे के शिवसेना में आने के बाद से राज ठाकरे साइडलाइन होने लगे थे, लेकिन जब मुंबई के रमेश किनी मर्डर केस में राज ठाकरे का नाम उछला तब उस वजह से राज ठाकरे की छवि काफी खराब हुई थी। ये मर्डर रमेश किनी का हुआ था, जिसके बाद रमेश की पत्नी शीला ने राज ठाकरे पर हत्या का आरोप लगाया। मामला सीबीआई में गया, राज से पूछताछ तक हुई, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन डैमेज हो चुका था। और ये मेरी टेंडेंसी है, और मैंने उसी वक्त बताया था, जिस दिन ये आरोप उस औरत ने किया था उसके दूसरे दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, मैंने बताया था सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करे या सीबीआई करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह कहना है कि इस केस के बाद से राज ठाकरे की सियासत कमजोर होने लगी थी और बालासाहेब ठाकरे भी फैसले उद्धव ठाकरे से करवाने लगे थे। उद्धव का पावर सामने आया 1997 में जब बीएमसी चुनाव के टिकट्स बांटे गए, जिसमें राज ठाकरे के कई लोगों को टिकट्स नहीं मिले थे। इस बात से राज ठाकरे काफी नाराज हुए थे, उनकी नाराजगी मीडिया में भी नजर आई थी। इसके बाद 2002 के बीएमसी चुनाव में भी यही कहानी दोहराई गई, टिकट बंटवारे में पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की ही चली। धीरे धीरे उद्धव की पकड़ शिवसेना में बनती गई और राज ठाकरे धीरे धीरे साइडलाइन होने लगे। उन्हें लगा कि हालात सुधर जाएंगे। साल 2003 में यह तय होना था कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, और इसमें नाम आया उद्धव ठाकरे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस प्रस्ताव को लाने वाले कोई और नहीं बल्कि राज ठाकरे खुद थे। सराव आहे शिवसेना पक्षात नवीन निर्माण झालेल्या शिवसेना कार्याध्यक्ष या पदाकरिता शिवसेना नेते श्री उद्धव ठाकरे यांची या निवड या प्रतिनिधी सभेने करावी असे मी सुचवित आहे। साल 2005 में सीनियर लीडर नारायण राणे शिवसेना से अलग हो गए, कहा जाता है कि उनके रिश्ते उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ठीक नहीं थे। साल 2006 में अपनी पकड़ को कमजोर होता देख राज ठाकरे ने भी शिवसेना से विदाई ले ली और खुद की MNS नाम की एक पार्टी बना ली। राज ठाकरे अलग पार्टी बनाकर अपने चाचा और चचेरे भाई के सियासी सपनों में आग लगाने निकल पड़ेंगे। तीन साल पहले तक महाराष्ट्र में कोई ये बात सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद साल 2007 में शिवसेना ने बीएमसी चुनाव जीत लिए। वहीं अगले साल 2008 में राज ठाकरे ने MNS पार्टी की तरफ से यूपी बिहारी वर्सेस मराठी वाला मुद्दा छेड़कर अपनी पकड़ और अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया, और शायद इसी वजह से 2009 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना का काफी खराब प्रदर्शन रहा और वहीं MNS ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना जब अलग अलग लड़ते हैं तो इसका नुकसान तो होगा इलेक्शन में। क्यों होता है? जब उनके लोग चुन के आते हैं तब नुकसान नहीं होता, जब हारते हैं तब नुकसान होता है। ये कौन सा तरीका है देखने का? जब उनके MP चुन के आते हैं तो वहां पे नुकसान नहीं होता, जैसे कि मेरी पार्टी नहीं वहां पे,
और जहाँ पे वो हारते हैं तो बोलते कि इनकी तरफ वजह से हुआ। शिवसेना का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि वहाँ मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रही। इसके बाद ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे का खराब समय स्टार्ट हो गया है। उसी दौरान उनके हार्ट का ऑपरेशन भी किया गया। बालासाहेब ठाकरे की हालत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। फिर 2012 में शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के देहांत के बाद सभी को लगा कि शिवसेना का भविष्य खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने शिवसेना को संभाला। आदित्य ठाकरे होगा शिवसेना का नया वारिस। उसके बाद समय आया 2014 के असेंबली पोल्स का, जब शिवसेना ने बीजेपी से अपना रास्ता अलग कर लिया सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर। लेकिन जब नतीजे आने के बाद बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी साबित हो गई, तब शिवसेना ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर शांति का वातावरण बना लिया। उसके बाद 2019 के असेंबली पोल्स तक शिवसेना और बीजेपी के बीच में खटपट चलती रही। और हाल ही में 2019 के इलेक्शन में शिवसेना ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर कैंपेनिंग की, गठबंधन बनाए रखा, लेकिन नतीजे आने के बाद शिवसेना ने गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली है। और आज उद्धव ठाकरे ठाकरे परिवार से पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं।